तो ये है 2023 की न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V, यानी कि अपाचे आरटीआर 164V 2023 मॉडल E20 फ्लेक्स फ्यूल BS7 वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो E20 का जो टीवीएस की मोटरसाइकिल आ रही, यहाँ पर स्टिकर दे रही कंपनी, और रियर में भी यहाँ पर बता देती है कि मैं OBD2 हूँ, यानी कि E20। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो TVS Apache RTX 4V, ये देखिए RM OBD2, ये देखिए, ठीक है ना। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे नया मॉडल है, 24/4/2023 का सबसे नया मॉडल का वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो चलिए और हम क्या क्या चेंजेस हुआ है इस बाइक का वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बाइक में जो है लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम कंपनी ने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑन किया है और यहाँ से मैं लाइट ऑफ कर दिया, तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये देखिए अब सामने से पूरी बाइक, तो यहाँ पर आपको मिलेगा DRL लाइट, ये लो बीम और ये हाई बीम की हेडलाइट पूरी फुल LED के साथ, और एक रोबोटिक लुक यहाँ पर आपको मिलता है अपाचे RTR 164V का। सबसे ज़बरदस्त बाइक भाई मैं ये लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल एकदम नई अपडेटेड हो चुकी है, जो कि इसका साइलेंसर भी डबल बैरल पे था। अब देखिए इस तरह से साइलेंसर आपको मिलेगा, नहीं कितना बड़ा होल, आवाज़ इसकी इतनी गजब की है कि क्या बताएं दोस्तों। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए ये हो गया आपका फ्रंट का लुक, और इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाला इंडिकेटर आपको चारों मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सामने से पूरी बाइक को देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब नया जो चीज़ किया है कंपनी ने, नया चीज़ यहाँ से आप ब्रेक को और क्लच को, ये देखिए क्लच है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए एक पर कर दिया तो इस तरह से एकदम कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे 2 और 3 पे देखिए कर दिया तो इतना टाइट हो गया, ये देखिए इतना लंबा, ठीक है ना। इस तरह से आप, यानी कि यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं क्लच और ब्रेक को भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आपका अगर छोटा हाथ है तो यहाँ से आप देखिए ये देखिए, ठीक है ना, ये आप जैसा भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। 3 पर आ गया है और ये देखिए 1 पर आ गया, ये देखिए एकदम छोटा हो गया। जैसा भी चाहें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं भाई। ये सबसे गजब की चीज़ है जो कंपनी ने TVS के अपाचे RTR 164V में दिया है। और ये रही इसकी की, सबसे पहले आप इसका चाबी देख लीजिए, फिर आगे हम आपको डिटेल बताते हैं। इधर TVS लिखा मिलेगा, इधर हॉर्स का यानी घोड़े का लोगो मिलेगा। डबल चाबी यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए फ्रंट पे सुपर मोटो का ABS मिलेगा सिंगल चैनल के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक नई यहाँ पर अलॉय व्हील स्पेशल एडिशन है, ये TVS अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 90/90/17 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और यहाँ पर टाइपिंग और एक नई अलॉय व्हील आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको रिंग भी मिलेगा और ऑयल डंपर टेलीस्कोपिक साकर, जिस पर गार्ड भी यहाँ दिया गया है। मेड गार्ड तो भाई इसका कुछ पूछो मत, ज़बरदस्त यहाँ पर मेड गार्ड इसका सबसे अच्छा लंबा चौड़ा इस तरह से मिलता है TVS रेसिंग की ब्रांडिंग। तो ये मेट ब्लैक कलर में पूरी गाड़ी आपको मिल जाती है दोस्तों, और ऑरेंज कलर की यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिलेगी, दोनों यानी कि फ्रंट और रियर दोनों अलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिलेगी। अब उसके बाद पीछे का जो टायर है वो आपको मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग आप देख ही रहे हैं, तो 130/70/17 का एक हैवी टायर आपको मिलता है। यहाँ से आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हैं, तो काफ़ी हैवी टायर मिलता है जिसको चलाने में काफ़ी मजा आएगा। और ये रेडायल टायर आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, ट्यूबलेस टायर रेडायल। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक, ये देखिए डिस्क ब्रेक का गार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। ये रहा आपका मड गार्ड यानी पीछे का फेंडर जो है काफ़ी अच्छा दे दिया है कंपनी ने। अब साइलेंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल होल से सिंगल पे कर दिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा। इसका आवाज़ जो है मैंने अभी आपको लास्ट तक सुना देते हैं अगर स्टार्ट हो गई तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आवाज़ जो है, मैं इसकी वीडियो भी बना रखा हूँ, आप इस चैनल पर देख सकते हैं स्पेशल इसकी आवाज़ के लिए, तो आप इसका आवाज़ सुनेंगे ना मस्त मज़ा आ जाएगा, बहुत ही गजब का आवाज़ हो गया है। ये भी पत्ती स्टेनलेस स्टील का है लोहे का, वो भी मेट ब्लैक कलर के साथ साइलेंसर कंपनी ने चेंज किया है। यहाँ पर गार्ड आपको मिल जाएगा इस तरह से, फुटेस आपको फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये रहा आपका ब्रेक लीवर, अब ब्रेक लीवर भी काफ़ी अच्छे नए स्टाइल के साथ आ गया है। अब चलिए हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो ये OBD2 यानी फ्लेक्स फ्यूल BS7 E20 अपडेटेड 160cc का इंजन है, 4 वाल है यानी 4V इसका नाम ही रखा गया, 4V यानी 4 वाल। तो TVS का ब्रांडिंग है, 40 से 45 का माइलेज देगी, आयल कूल बाइक है ये, ठीक है ना। ये देखिए ये आयल कूल बाइक है, एयर कूल नहीं है, अपाचे RTR 162V की तरह ये 4V है, आयल कूल बाइक है, हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 गियर 40 का माइलेज 160cc इंजन 4 वाल के साथ। यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों हाइपर एस का लिखा हुआ स्टिकर के साथ एक बेहतरीन इंजन गार्ड मिड ब्लैक का। यहाँ पर आपको मिल जाता है लेग गार्ड, इस तरह से देख सकते हैं आप, ठीक है ना।
तो ये रहा आपका पूरा लुक। मजबूती भी यहाँ से दी गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो भाई मजबूती में भी कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्यूल टैंक तो पूरा मेट ब्लैक कलर का पूरा आएगा। हॉर्स का 3D का एलुमिनियम वाला लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन टेक्सचर डिज़ाइन, ये देखिए स्टाइलिश लुक के साथ। और ये रहा आपका फ्यूल टैंक, तो E20 का ब्रांडिंग यहाँ पर 160 RTR लिखा हुआ मिलेगा। ये रेड एंड मेट ब्लैक का कॉम्बिनेशन सबसे प्यारा यहाँ पर दिख रहा है। अब आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरी गाड़ी दिखेगी। इस साइड से भी आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए अब इस साइड से जो इंजन है ये RTFI रेस ट्यूनर वाला इंजन है। इस तरह से आप देख सकते हैं गियर लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है। साइड पर आपको अपाचे की ब्रांडिंग इस तरह से आपको मिल जाएगी। पूरी गाड़ी यहाँ से देख सकते हैं। ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट यहाँ पर आपको फ्रंट पर लिखा है, यानी कि ब्लूटूथ वाला मॉडल है। अभी आपको हम दिखा देते हैं मीटर में भी। तो ये देखिए ब्लूटूथ वाला है, ये ब्लूटूथ गियर इंडिकेटर। और उसके बाद यहाँ पर आपका टाइम बताएगा, एवरेज स्पीड बताएगा कितना माइलेज दे रही है, RPM, फ्यूल स्पीड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपका ABS मिल जाएगा, FI लाइट, न्यूट्रल, लो फ्यूल वार्निंग, सर्विस इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है। मोड भी दिया गया है, यानी अर्बन, रेन, स्पोर्ट, जो भी आप चाहें मोड आप कर सकते हैं। देखिए अर्बन मोड है और यहाँ से आप देखिए मोड को बदल सकते हैं। अर्बन से हो गया स्पोर्ट मोड, फिर दबाया रेन मोड, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, तीन मोड में यहाँ पर आपको बाइक मिलेगी। इंजन किट स्विच भी आपको मिलेगा, मोड, लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, सेल्फ स्टार्टर, यहाँ पर हाई लो बीम पासिंग, और यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मीटर पे। यहाँ पर इंडिकेटर, हारन, ये सारी चीज़ें, बारंड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो ये बाइक जो है भाई सबसे लेटेस्ट, सबसे नया मॉडल है, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे फीचर्स को। और उसके बाद यहाँ पर आपको सीट मिलेगी सिंगल सीट पे, वो भी डुअल टोन के साथ, डुअल कलर में। RTR 160 4V की ब्रांडिंग, साइड पर देखेंगे तो अपाचे लिखा हुआ मिल जाएगा। और रियर का डिस्क ब्रेक यहाँ पर फ्यूल पंप दिया गया है। और 5 यहाँ पर आपको मिल जाता है सस्पेंशन, मोनो सस्पेंशन, मोनो हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर गार्ड मिलेगा। और इस तरह से भी आप देख सकते हो इस बाइक को रियर का लुक। और यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों फुल LED वाले टेल लाइट्स, जो कि बहुत ही गजब के, बिल्कुल एकदम अंदर से इस तरह से फिनिशिंग दी गई है, सबसे अच्छी मजबूती। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा, ये रहा आपकी बाइक। और पीछे का रियर का पूरा लुक इस तरह से गाड़ी में आएगा। यहाँ पर देखिए सारी गार्ड दिया गया है और सिंगल आपको चैन कवर इस तरह से मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये पूरी गाड़ी आपको पड़ जाएगी दोस्तों 1 लाख ऑन रोड प्राइस में, आपको बता रहा हूँ UP के फैज़ाबाद की। तो 1,63,000 है, यानी 63,000 ऑन रोड प्राइस इसका, 1,63,000। वीडियो आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।